यस, आज का टॉपिक है न्यू यूनिट मैट्रिसेस एंड लीनियर सिस्टम, जिसका फर्स्ट टॉपिक है रैंक एंड नलिटी। किसी गिवेन मैट्रिक्स का रैंक एंड नलिटी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रैंक एंड नलिटी कैसे फाइंड करेंगे किसे गिवेन मैट्रिसेस का। ठीक है, मैंने मान लिया कि एक गिवेन मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये है 3x3 ऑर्डर का एंड 3x4 ऑर्डर का भी कोई मैट्रिक्स है, तो इनका रैंक फाइंड करना है। रैंक फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिटरमाइंड मेथड, इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो उनसे पहले सबसे पहले देखते हैं नलिटी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नलिटी एंड रैंक में रिलेशन होता है। ठीक है, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू होता है एन। ठीक है, आप मान लीजिए कि इसका रैंक आर है। ठीक है, प्लस नलिटी इक्वल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये आपका गिवन मैट्रिसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एम इंटू एन, ये एन जो है कॉलम्स एंड एम जो है रो। ठीक है, ये आपका एम रो होता है एंड एन कॉलम्स होता है, कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आपका एन 3 हो जाएगा और एम 3 हो जाएगा। ठीक है, 3x3 ऑर्डर में एन 3 एंड 3x4 में एन क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पे एन 3। तो आप ऐसे इनको फाइंड कर सकते हैं नलिटी। नलिटी इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस आर, जब रैंक फाइंड करेंगे। अब देखते हैं रैंक कैसे फाइंड करते हैं, सबका मेथड होता है। तो सबसे पहले देखते हैं डिटरमिनेंट मेथड कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड से कैसे फाइंड करेंगे इनका मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट से रैंक कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आपका कोई गिवन गिवन मैट्रिक्स है ए बी सी डी एफ जी एच आई। ठीक है, तो इनको डिटरमिनेंट मेथड से आपको रैंक फाइंड करना है। तो रैंक कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले जो भी गिवन मैट्रिक्स होता है उस ऑर्डर का सबसे पहले उनका डिटरमिनेंट निकालेंगे, जिनको माइनर बोलते हैं। ठीक है, 3x3 ऑर्डर में, जैसे गिवन क्या है, गिवन मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का, तो थ्री सबसे पहले 3x3 ऑर्डर में ही इनका माइनर फाइंड कीजिए। माइनर क्या होता है कि उस ऑर्डर में उनका डिटरमिनेंट फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का। अगर 3x3 ऑर्डर का है तो क्या है, 3x3 ऑर्डर का सबसे पहले उनका डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए। ठीक है, अगर सपोज दैट 0 नहीं हुआ, ठीक है, तब तो रैंक उनका हो जाएगा आर इक्वल टू 3। ठीक है, अगर नहीं हुआ, इफ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन उनका रैंक 3 हो जाएगा। अगर 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, देन इनका रैंक 3 नहीं होगा, तो फिर आपको 2x2 ऑर्डर में नीचे आना है, उनका 2x2 ऑर्डर में आना है और उनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो माइनर उनका फाइंड करेंगे, जैसे सपोज दैट माइनर 2x2 ऑर्डर का डी ई जी एच, उनका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, 2x2 ऑर्डर में, एंड देन अगर उनका 0 नहीं, 0 हो गया तो दैट मीन्स उनका क्या हो जाएगा, रैंक 2 नहीं होगा। ठीक है, 2x2 ऑर्डर में सपोज दैट डी ई सिलेक्ट किया, जी एच, ठीक है, ये आपने आपने किया, इनका माइनर फाइंड किए, तो सपोज दैट आपको आ गया 0। ठीक है, देर उनका रैंक नहीं आएगा 2। ठीक है, तो फिर आपका रैंक फाइनल जो होगा, रैंक ऑफ है क्या हो जाएगा, 1। रैंक 1 से लेस नहीं होता है। ठीक है, फाइनली जब 2 नहीं आए, देन आप उनको लिखेंगे उस मैट्रिक्स के लिए रैंक 1। ठीक है, तो इन पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका गिवन मैट्रिक्स है ये, जिनका रैंक एंड नलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो रैंक कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आप माइनर 3x4 ऑर्डर का माइनर
नहीं फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स ये तो डिफाइन हो गया कि इनका रैंक जो है नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब क्या करना है, 3 बाई 3 ऑर्डर में इनका माइनर फाइंड करना है, ठीक है। माइनर फाइंड करेंगे, आप 3 बाई 3 ऑर्डर सेलेक्ट करो, ठीक है। मैं या तो आप पहला दूसरा तीसरा सेलेक्ट कर सकते हो, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट, और आपको ऐसा सेलेक्ट करना है ताकि उनका डिटरमिनेंट फर्स्ट टाइम में ही 0 हो जाए, ठीक है। अगर 0 नहीं हुआ देन आपको दूसरा सेलेक्ट करना, दूसरा सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तीसरा सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे करके आप चार चार मैट्रिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर चारों में फिर से नहीं आया 0 देन उनका उनका रैंक 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले सेलेक्ट किए मैट्रिक्स ए के लिए 1 3 4, 3 9 12, 1 3 4, ठीक है। मैंने ये इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इनका फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, इनका एलिमेंट क्या है, सारे इक्वल है। और मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट में कि अगर आपका कोई दो रो, ठीक है, इक्वल हो जाए तो इसमें उनका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। यहाँ पे क्या है, R1 एंड R3 इक्वल है, देन इनका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स यहाँ से ये फाइंड हो गया कि इनका रैंक जो है 3 इंटू 3 ऑर्डर में 3 रैंक नहीं है, तो उनसे नीचे आएंगे, ठीक है। तो नीचे आएंगे 2 बाई 2 ऑर्डर में, देन उनका माइनर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 2 बाई 2 ऑर्डर में मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि 2 बाई 2 ऑर्डर में क्या फाइंड क्या सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि उनका फर्स्ट टाइम में ही 0 हो जाए, ठीक है। आप यहाँ से 2 2 बाई 2 ऑर्डर में 1 3 1 9 ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3 9 1 3, इनका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, ठीक है। 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 9, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से ये फाइंड हो गया कि इनका रैंक 2 नहीं होगा, ठीक है। तो रैंक होगा क्या, ठीक है। तो फाइनली इनका रैंक 0 नहीं होता है तो होगा क्या, रैंक रैंक ऑफ ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, ठीक है। नलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू होता है एन, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो रैंक इनका क्या निकल गया, 1 प्लस नलिटी, नलिटी इक्वल टू कितना है एन, एन इक्वल टू 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 4, नलिटी यहां से फाइंड आ जाएगा 4 माइनस 1, दैट मीन्स 3, ये आपका नलिटी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है, डिटरमाइंड मेथड से। सेकेंड देखते हैं इक्लॉन फॉर्म, ठीक है। इक्लॉन फॉर्म में आपका सपोज दैट एक एग्जांपल है, इक्लॉन फॉर्म में आपको ऐसा ऑपरेशन करना है ताकि ये डायगोनल के अकॉर्डिंग आपका जितने भी एलिमेंट है नीचे वो 0 आ जाए, ठीक है। एंड देन आप कंपेयर कर लेंगे नॉन जीरो रो, जैसे 1 2 3, तो इनका भी रैंक कितना हो गया, 3। नॉन जीरो रो जो होता है वो आपका रैंक हो जाएगा, यहाँ पे रैंक कितना है, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रहे आपका, ये 1 1 1 होना चाहिए इक्लॉन फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है, सपोज दैट यहाँ पे 2 हो गया, देन उनको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसके सहायता से भी इनमें 1 1 होना जरूरी नहीं है, नॉन एलिमेंट 0 भी, नॉन रो 0 भी हो जाता है, नॉन जीरो एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो वहां से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल इसका क्या रैंक है, 3। तो ये इक्लॉन फॉर्म है कि ये डायगोनल के अकॉर्डिंग जितने भी नीचे हैं वो 0 होना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं इक्लॉन फॉर्म पे, ठीक है। आपको ये कोई गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, इनका रैंक एंड नलिटी फाइंड करना है, कैसे, इक्लॉन फॉर्म से। तो आपको ऐसा ऑपरेशन करना है, ठीक है, अप्लाई करना है ताकि इनके अकॉर्डिंग, इस डायगोनल के अकॉर्डिंग नीचे 0 हो जाए। तो 0 हो जाए दैट मीन्स 3 है 2 है, तो इनको 0 लाना है। तो 3 माइनस 3 R1, ये पहला R1 R2 R3 है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशन लगाते हैं अप्लाइंग R3 R3 माइनस 3 R1, ठीक है। एंड दूसरा में R2 के लिए R2 माइनस
टू आर वन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका मैट्रिक्स, ये वन, इसमें तो चेंजिंग नहीं हो रहा है, आर वन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये आपका सेम रहेगा, वन टू थ्री, इनके लिए ये जीरो हो जाएगा, आर टू के लिए आर टू टू माइनस टू आर वन जीरो, ठीक है, थ्री माइनस फोर माइनस वन, ठीक है, और ये हो जाएगा फोर माइनस ये थ्री इंटू सिक्स, दैट मीन्स माइनस टू, और थ्री में आर थ्री के लिए हो जाएगा जीरो माइनस टू माइनस फोर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसमें इसको जीरो करना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन को, ठीक है, जब ये पोर्शन जीरो हो जाए, ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप बोलोगे कि इनको इनको ऐड कर देंगे देन ये जीरो हो जाएगा एलिमेंट, तो ये जब जीरो करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट तो चेंज हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये ऑपरेशन ऐसा करना है कि बाकी के जो एलिमेंट आप जीरो बनाया है वो उसमें कोई चेंजिंग ना हो, तो आप इनसेक करो ताकि इसमें कोई चेंजिंग ना हो, जीरो है तो इसमें कोई सा भी ऑपरेशन लगाओगे तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे है उसमें चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ आर थ्री, आर थ्री में चेंजिंग ला, आर थ्री माइनस टू आर वन, तो यहाँ से क्या होगा, वन टू थ्री जीरो माइनस वन माइनस टू, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ गया, एंड देन यहाँ पे माइनस फोर, माइनस फोर हो जाएगा आपका, माइनस फोर इंटू माइनस फोर प्लस फोर, ये जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि नॉन एलिमेंट नॉन रो जीरो कितने हैं, दो, तो यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे रैंक टू आ जाएगा, टू आ जाएगा, लेकिन आपको इक्लॉन फॉर्म से फाइंड करना है, देन आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, करना होगा कि माइनस वन से डिवाइड करेंगे देन वन वन में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आर टू जो है, आर टू इंटू माइनस वन, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वन टू थ्री, ठीक है, ये जीरो वन टू जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ से फाइंड हो गया आपका रैंक क्या है, रैंक नॉन जीरो रो कितने हैं, तो आप यहाँ से फाइंड कर लिए रैंक इक्वल टू टू, ठीक है, तो आपका रैंक क्या हो गया, रैंक हो गया आपका टू, ठीक है। और आपको नलिटी फाइंड करना है, नलिटी, नलिटी क्या हो जाएगा, एन माइनस रैंक, एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, थ्री बाई थ्री ऑर्डर में इनका एन क्या हो जाएगा, थ्री, एंड रैंक क्या फाइंड किए हैं, टू, तो इनका नलिटी वन हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है आपका, ठीक है। थर्ड देखते हैं नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि आपको ऐसा ऑपरेशन करना है ताकि ये डायगोनल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सारा जीरो हो जाए, पहले इनको प्रायोरिटी देना है कि ये यहाँ पे जीरो लाना है सबसे पहले, ठीक है, ये वाला फॉर्म पे, देन आप इनको जीरो करेंगे और लास्ट में इनके लिए ऑपरेशन करेंगे, अगर सपोज दैट वन वन है तो ठीक है, ठीक है, अगर नहीं है देन डिवीजन करके आपको क्या करना है, उनको वन वन करना है, दैट मीन्स आपका ऑपरेशन इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि वन 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 जीरो 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 जीरो, ये इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। अगर ऑपरेशन में सपोज दैट अगर यहाँ इस फॉर्म में आया देन बोल देंगे इनका रैंक थ्री है, ठीक है। अगर ऑपरेशन करने के ड्यूरिंग क्या हुआ कि ये जीरो आ गया देन आप उनको बोलेंगे रैंक टू है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऑपरेशन कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे वन वन आ जाए लास्ट में, ठीक है, वन वन आना चाहिए नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, आइडेंटिटी के फॉर्म में लाना है आपको, ठीक है। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड देन कैसे ऑपरेशन करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है आपका, गिवन मैट्रिक्स है, इनको बाय रिड्यूसिंग क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे ऑपरेशन क्या करेंगे कि यहाँ पे जीरो आ जाए, यहाँ जीरो आ जाए, फिर यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ये पहले प्रायोरिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इनको जीरो करो, इनको जीरो कैसे करें, इनको जीरो कैसे करें, आर टू और आर थ्री के लिए करते हैं। तो आर टू में ऐसा ऑपरेशन क्या करें, ऑपरेटिंग क्या करते हैं, आर टू में इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके
इसमें से माइनस कर दें तो हो जाएगा, ठीक है। तो आर टू माइनस थ्री आर वन, ठीक है, एंड क्या करते हैं आर थ्री, आर थ्री में क्या ऑपरेशन करेंगे तो आर थ्री में हो जाएगा फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे आर वन में, ठीक है, आर थ्री माइनस फोर आर वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वन में तो चेंजिंग नहीं हो रहा है, फर्स्ट रो में वो तो सेम रहेंगे, वन टू माइनस वन, इसके लिए इसमें चेंज हुआ थ्री माइनस थ्री वन, क्या हो जाएगा जीरो, एंड देन माइनस ये हो जाएगा थ्री माइनस वन माइनस थ्री, यानी सिक्स माइनस सेवन माइनस सेवन, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा फाइव ये जीरो एंड माइनस सेवन ये सेवन, ये ऑपरेशन करने पे ये आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले अब आपको क्या करना है, ये वाला जीरो टर्म लाना है, ठीक है। तो इस जीरो को लाने के लिए क्या करेंगे कि इनमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा, जैसे कॉलम को, जैसे इनको जीरो करना है, ये वाला टर्म को, ये वाला पहले प्रायोरिटी इसको देना है, जीरो लाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप करो सी टू जो है सेकेंड कॉलम में पहला पहला कॉलम को माइनस करेंगे, तो सी टू माइनस सी वन, ठीक है, सी वन माइनस तो वो सिर्फ वन बचेगा, लेकिन टू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि टू माइनस टू, टू वन क्या हो जाएगा जीरो, एंड इसमें इनको जीरो करने के लिए इनको ऐड कर दें, तो तीसरा कॉलम में क्या करते हैं सी थ्री प्लस सी वन, ठीक। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये वाला जीरो, तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये वन, ये सेकेंड में क्या हो जाएगा ये जीरो, ठीक है, और माइनस सेवन ये यहाँ पे तो जीरो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा थ्री वन माइनस टू माइनस, ये आपका जीरो आ गया, ठीक है। सबसे पहले इनको देख लेते हैं, वन जीरो जीरो, सबसे पहले पहला कॉलम को सेम रखेंगे, देन दूसरा कॉलम के लिए इनके लिए हो रहा है, तो ये जीरो हो गया, ठीक है, ये जीरो होने के बाद क्या करेंगे, ये माइनस सेवन हो गया एंड ये माइनस सेवन, और थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जीरो सी थ्री प्लस सी वन, ठीक है, एंड देन फाइव फाइव हो जाएगा, एंड देन क्या होगा सेवन, ठीक है। अब क्या ऑपरेशन करेंगे, अब क्या करना है, इनको जीरो करना है, तो आप सब सिंपल आर थ्री को आर टू में माइनस कर दो, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑपरेशन करेंगे आर थ्री, आर थ्री माइनस आर टू, ठीक है, आर थ्री माइनस आर टू, किसके लिए ऑपरेशन हो रहा है, आर थ्री के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वन जीरो 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 माइनस सेवन फाइव जीरो जीरो टू, ठीक है। अब इनको जीरो करना है, तो इनको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, सी थ्री प्लस फाइव बाई सेवन सी टू, यहाँ से आपका आ जाएगा वन जीरो 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 माइनस सेवन जीरो 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 टू, ये आ गया। अब तो ये अब इनको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबको डिवाइड कर दें, इसको माइनस सेवन से डिवाइड कर देंगे, इनको टू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं सी टू माइनस वन अपॉन सेवन इंटू सी टू, एंड आपका हो जाएगा सी थ्री हाफ से मल्टीप्लाई सी थ्री। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म में आ गया डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से, क्या हो जाएगा मैट्रिक्स ए इक्वल टू वन 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 जीरो 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 जीरो, ये आपका नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारे वन वन है, दैट मीन्स रैंक क्या हो गया थ्री, ठीक है। अगर आपको नलिटी निकालना होता तो नलिटी के लिए क्या करते हैं, नलिटी इक्वल टू एन माइनस आर, एन आपका थ्री बाई थ्री ऑर्डर में क्या है थ्री, एंड रैंक थ्री, तो नलिटी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो रैंक अब सिर्फ फाइंड करना है रैंक, देन आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए, ठीक है, इक्लॉन फॉर्म में करना है आपको, ठीक है, ये इक्लॉन फॉर्म में इनको रिड्यूस करना, तो सिंपल आपको ये इनको टू करना है, वन करना है, देना रैंक निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है रिड्यूसिंग फॉर्म के लिए, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। थैंक यू।